हेलो व्यूवर्स, मेरा नाम है रोहन और आप देख रहे हो चैनल रेसलिंग हिंदी न्यूज। तो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ आपके लिए कल के रॉ के एपिसोड को लेकर सभी बड़ी चीज़ें और अपडेट्स के बारे में, जहाँ पर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी बड़ी चीज़ों के बारे में जो कि हमें कल के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में देखने के लिए मिलेंगी। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, इसे लास्ट तक जरूर देखिए। सबसे पहले आने वाले रॉ के एपिसोड की बात कर ले तो यहाँ पर ये बात कंफर्म हो चुकी है कि वहाँ पर हमें हल्क होगन वापसी करते हुए नजर आने वाले। तो यहाँ पर WWE किसी न किसी तरह हल्क होगन को काफ़ी टाइम बाद टीवी पर वापसी करवा रही है, तो कहीं ना कहीं इसका काफ़ी बड़ा यूज हो सकता है और हमें हल्क होगन काफ़ी बड़ा रोल प्ले करते हुए नजर आ सकते हैं रॉ के एपिसोड में। और पॉसिबली ऐसी भी अपडेट्स इनके सामने आ रही हैं कि यहाँ पर हमें और भी एक बड़ी रिटर्न देखने को मिले। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर एक और जो बड़ी चीज़ कंफर्म हो चुकी है वो होने वाला रॉकी टैकिंग चैंपियनशिप का मैच, जहाँ पर इस बार द रिवाइवल्स को मिले टाइटल अपॉर्चुनिटी बॉबी रूडी एंड चैट गेबल के खिलाफ। और ये मैच होने वाला है इस बार एक लंबर चेक मैच, क्योंकि हमने देखा किस तरह से पिछले हफ्ते रॉ के एपिसोड में हरा दिया बॉबी रूडी एंड चैट गेबल ने द रिवाइवल्स को रॉकी टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। लेकिन एक और बार फिर से मौका है द रिवाइवल के पास के वो कैप्चर कर लें रॉकी टैग टीम चैंपियनशिप। साथ ही साथ में अलेक्सा ब्लिस का मोमेंट ऑफ ब्लिस फिर से डेब्यू होने वाला, क्योंकि एक टॉक शो है WWE का और यहाँ पर बताया मैंने आपको किस तरह से अलेक्सा ब्लिस इंजर है जिसके कारण का ये टॉक शो करवाया जा रहा है। और यहाँ पर एक और जो चीज़ इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पर आने वाले बेडेस्ट वुमेन ऑन द प्लैनेट रोंडा राउजी, तो पॉसिबल हो सकता है यहाँ पर हमें रोंडा राउजी एंड अलेक्सा ब्लिस के बीच एक ब्रॉल देखने को मिले। इसके अलावा साथ ही साथ में यहाँ पर हमें अलायंस भी फेस करते हुए नजर आने वाले हैं बैरन कॉर्बिन का, क्योंकि पिछले हफ्ते देखा हमने किस तरह से अलायंस और बैरन कॉर्बिन के बीच हो गया था एक ब्रॉल, तो देखने काफी इंटरेस्टिंग होगा क्या नेक्स्ट रॉ के एपिसोड में बैरन कॉर्बिन अपना बदला ले पाते हैं अलायंस से या फिर नहीं। साथ ही साथ हमने देखा किस तरह से पिछले रॉ के एपिसोड में ट्रिपल एच ने कन्फ्रंट कर लिया था सेथ रॉलिंस को, और यहाँ पर उन्होंने कहा था कि वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप की कैसे जो अपॉर्चुनिटी है वो डिजर्व ही नहीं करते हैं, जिसके कारण वो चाहते कि अगर पुराना सेथ रॉलिंस वापस आ जाता है तो उन्हें टाइटल अपॉर्चुनिटी जरूर मिलने वाली है। साथ ही साथ ऐसे ही वो रॉ के एपिसोड में जब सेथ रॉलिंस वर्सेस बॉबी लैशली के बीच एक सिंगल्स मैच हो रहा था, तो मैच के बीच में अचानक से सेथ रॉलिंस का दिमाग घूम जाता है और वो यूज करते हैं स्टील चेयर को और वो लगातार अटैक करना शुरू कर देते हैं बॉबी लैशली एंड लियो रश पर। तो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा क्या अब सेथ रॉलिंस फोकस कर पाते डीन एम्ब्रोस पर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए या फिर नहीं, या फिर एक और बार फिर से ट्रिपल एच कन्फ्रंट करते हैं सेथ रॉलिंस को आने वाले रॉ के एपिसोड में। साथ ही साथ में जो दो बड़ी वापसी कंफर्म हो चुकी है ऑलरेडी WWE की तरफ से, वो आने वाली है यूनिवर्सल चैंपियन ब्रॉक लेसनर की और साथ ही साथ में द मॉन्स्टर मैन द मैन ब्रॉन स्ट्रोमन की, क्योंकि हमने देखा किस तरह से ब्रॉन स्ट्रोमन को बीच में इंजरी हो गई थी जिसके कारण काफी टाइम से WWE के अंदर नहीं आ पा रहे थे। साथ ही साथ फाइनली ब्रॉक लेसनर वापसी कर रहे हैं रॉयल रंबल के इवेंट को हाइप करने के लिए, तो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा क्या कुछ बड़ी चीजें होती है मॉन्स्टर मैन द मैन ब्रॉन स्ट्रोमन एंड द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर के बीच। इसके अलावा एक जो बड़ी वापसी कंफर्म हो चुकी है जो कि सुपरस्टार हमें स्मैकडाउन लाइव में भी वापसी करते हुए नजर आया था, वो सुपरस्टार है सी नेशन लीडर 16 टाइम चैंपियन जॉन सिना, क्योंकि हमने देखा किस तरह से जॉन सिना को बुक किया गया स्मैकडाउन लाइव के एपिसोड में और यहाँ पर हमें जॉन सिना एंड दी आयरिश लैस के कर वेगिलेंस दिखाई देते एक दूसरे को कन्फ्रंट करते हुए। साथ ही साथ में यहाँ पर एक उनका एक मिक्स टैग टीम मैच भी हुआ था, तो जॉन सिना रॉ में वापसी करने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं जॉन सिना के साथ रॉ में भी काफी बड़ी चीजें हो सकती हैं। साथ ही साथ जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पर उनका सिक्स मैन टैग टीम मैच एडवर्टाइज किया जा रहा है। इसके अलावा ये भी हो सकता है लाइव इवेंट्स की तरह हमें यहाँ पर बैरन कॉर्बिन उन्हें कन्फ्रंट करते हुए नजर आए और हमें उसके बाद जॉन सिना वर्सेज बैरन कॉर्बिन के बीच एक सिंगल मैच दिखाई दे, तो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा जॉन सिना की वापसी रॉ के एपिसोड में। तो बस ये थी एक धमाकेदार वीडियो आप सभी के लिए, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी या फिर वीडियो का कोई भी पार्ट पसंद आया तो वीडियो को नीचे लाइक किए बिना कहीं मत जाना। साथ ही साथ आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आपके क्या थॉट्स हैं कल के रॉ के एपिसोड के बारे में। साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि फ्यूचर में भी आपको WWE रेसलिंग से जुड़ी ऐसी बड़ी और इंटरेस्टिंग अपडेट जानने को मिलते हैं। तो मिलता हूँ आपसे अगली ऐसी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।